Hello everyone, namaste, and welcome back to my channel. Hello everyone, namaste, and welcome back to my channel. So guys, जो आज का वीडियो होने वाला है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, स्पेशली अगर आप भी मेरी तरह के ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने एक नया कोरियन ड्रामा स्टार्ट करा है जिसका नाम है चीयर अप। अगर आपने वो ऑलरेडी देख लिया या फिर देख रहे हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी इसको पूरा खत्म नहीं करा। और ये वाला के ड्रामा इतना अच्छा कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको देखकर मुझे मेरे पुराने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए जब मैं जवान और ब्यूटीफुल हुआ करती थी। और आपको पता है ये वाला के ड्रामा मैं फ्री फंडे में देख रही हूँ अमेजोन ऐप पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप भी कैसे देख सकते हो और वो भी हिंदी में। सो बेसिकली आपको अमेजोन ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में इसको क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर आएगा मिनी टीवी, तो बटन को दबाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर चीयर अप की ड्रामा दिखेगा। और ये वाला की ड्रामा शूट हुआ है कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो कि है योनसे यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैं आपको आज घुमाने वाली हूँ। और ये कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, नो 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 नो, इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ बिग ब्रेन स्टूडेंट वाले एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर एडमिशन लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो यूनिवर्सिटी घुमाऊं और जो थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना वो वाला मैं भी एक्सपीरियंस करूं। सो यूनिवर्सिटी में जाने से पहले हम जाएंगे जवानों के अड्डे में कुछ ब्लू एंड व्हाइट कलर के कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो कलर्स है ना और इसके ड्रामा के जो यूनिफॉर्म के कलर है ना वो है ब्लू एंड व्हाइट। तो मुझे वो कपड़े पहनने और उसके बाद में हम जाएंगे सोल योनसे यूनिवर्सिटी में। चलो हम इस स्टोर में चेकआउट करते हैं अगर हमें कुछ ब्लू या व्हाइट कलर की अच्छी सी ड्रेसेस मिलती है नहीं। ये कितनी क्यूट है गाइस, मुझे ये क्यूट सी ब्लू कलर की टॉप मिली है, ये ऐसे दिखेगी। मैं सोच रही हूँ ये टॉप ले लूं और व्हाइट कलर की पैंट। यार ये कैसी फैशन है, ये तो उल्टी सिलाई करी हुई है, ऐसी पैंट कौन पहनता है। सो गाइस मैंने ये वाली पैंट ट्राई करी है, मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया लेकिन कितनी अच्छी लग रही है ना। Done guys. Guys, वैसे तो मैंने कपड़े खरीद लिए लेकिन मैं ऐसे ही ज़ारा में आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर इस बार कौन से अजीब गरीब कपड़े हैं। ये पोछा टाइप में क्या है, ये कैसा मजाक है। मुझे 10 मिनट हो गए, मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको पहनते कैसे हैं। ऐसी ड्रेस कौन पहनता है। अरे ये तो वो सेम ही चीज है जिससे मछली पकड़ते हैं। ज़ारा थैले कब बेचने लग गई, इसका प्राइस तो देखो। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तो ये इतू सा थैला है, ऊपर से सी थ्रू है और इससे स्ट्रॉन्ग तो जो सब्जी मंडी वाले थैले देते ना वो वाले होते हैं। एक और छेदो वाली स्वेटर, ये भी काफी महंगी है। मुझे लाइफ में सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं ऐसे छेदो वाले कपड़े पहन सकूं और मम्मी की फ्लाइंग चप्पल से भी ना डरूं। ये वाली ड्रेस कितनी क्यूट है लेकिन यहाँ पर भी छेद ही छेद है। सभी घर जाने से पहले रास्ते में एक बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी लाइब्रेरी पड़ती है जो कि ख्वांगजू की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है ना इस के ड्रामा का तो भी वो बहुत गरीब, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो वो क्या करती है कि लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करती है और वहाँ पर उसको एक मस्त लौंडे से थोड़ा प्यार होने लग जाता है। तो मैं वो फील लेने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। और आपको पता है मुझे कोरिया में 4 साल हो गए, मैं कभी भी लाइब्रेरी नहीं गई, तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। वहाँ पर है लाइब्रेरी और यहाँ पर एक क्यूट सी बिल्ली। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ से वहाँ तक लाइब्रेरी है। गाइस अभी मैं फाइनली लाइब्रेरी में पहुँच चुकी हूँ और क्योंकि लाइब्रेरी में शांत रहना पड़ता है तो इसकी वजह से मैं इसे धीरे धीरे बात कर रही हूँ। इसका सिर्फ कवर डिफरेंट है लेकिन ये सेम टू सेम बुक वो वाली है जो कि थोई ने छोंगू को छाया देने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन ये पूरी कोरियन में है और यहाँ पर कुछ फोटो पिक्चर कुछ भी नहीं है। लगता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर छतरी भूल गया। अब ये लाइब्रेरी बंद होने वाली तो इसका ये मतलब है कि मुझे भी घर पर जाना पड़ेगा। एनीवे पहली बार कोरियन लाइब्रेरी में एक्सपीरियंस ही कुछ अलग ही था, मतलब कि यहाँ पर आकर सच में मन होता है कि अच्छे से पढ़ाई करें। The next day. Let's go to Seoul, guys. सो गाइस अभी मैंने बस ले ली है और यहाँ पर मैं वो ड्रामा देख रही हूँ और इसके ड्रामे की जो हिंदी डबिंग है ना वो बहुत ही अच्छी है और बहुत नेचुरल भी है।
फाइनली सोल पहुंच चुके हैं। सो योनसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए हमें सबसे पहले मेट्रो लेनी पड़ेगी, जैसे कि थोई फर्स्ट एपिसोड में लेते हैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए। गाइस ये रही वो यूनिवर्सिटी। बरसात तो और भी तेज तेज आने लग गई, मुझे भी वहां पर वैसे बैठकर फोटो खिंचानी है। और आप ये पत्ते तो देखिए कैसे एस्थेटिक लग रहे हैं, ये वाले पत्ते असली हैं नकली हैं? असली हैं। गाइज ये है मेन जगह जहाँ पर ये की ड्रामा शूट हुआ था। अभी कोरिया में बरसात का मौसम चल रहा है, तो कभी अचानक से बरसात आने लग जाएगी, रुक जाएगी, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा हुआ कि मैं मेरे साथ ये छतरी लेके आई थी, ये वाली है BTS की छतरी। मुझे लगता है ये भी लड़की के ड्रामा की फैन है, क्योंकि वहाँ पर रही उसकी दोस्त जो की उसकी फोटो ले रही है। सो गाइज ये रहा वो चीरअप का स्टेडियम, ये वाला स्टेज मैंने ड्रामा में कितनी बार देखा है गाइज। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्याएं। ये वाला स्टेडियम के ड्रामा में छोटा सा दिखता है, लेकिन असलियत में है बहुत बड़ा। इतना घूम फिरने के बाद में मुझे बहुत बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा सामीदा खप्पे थे या खत्म गई ना यार? नहीं अल्लाह मीदा नहीं। गाइस वहां पर हम पेट पूजा कर सकते हैं। आपको एक मस्त चीज दिखाती हूँ। सो बेसिकली जब बाहर से ये छतरी गीली हो जाती है ना, तो अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर वो साफ़ करनी पड़ती है। इसके अंदर ऐसे साफ कर लो, पूरा पानी यहाँ पर निकाल दो और उसके बाद में आप अंदर जा सकते हो। क्या ऐसी चीज़ें इंडिया में होती है? अगर होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पर पूर करना है। अभी मैं इस यूनिवर्सिटी के छोटे से कन्वीनियंस स्टोर में पहुँच चुकी हूँ। सुबह से स्टोर आए और रामयन नहीं खाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? यहाँ पर मेरे पीछे है बहुत सारे अलग अलग टाइप के रामयन। ये है शिल्लामयन, कोरिया के सबसे फेमस रामयन। यहाँ पर काम करने वाली नहीं है, सेल्फ पे करना पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर रहे बहुत सारे किम्पा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि दीदी अगर हम उस कन्वीनियंस स्टोर में जाएंगे और ऐसे कोई सामान चोरी कर लेंगे तो क्या होगा? तो आप चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर है बहुत सारे कैमरास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैमरास। जितना बिजली का बिल आता होगा उन कैमरा के लिए, इससे अच्छा तो कोई काम वाले रख लेते वहाँ पे। मैंने आज सफेद पैंट भी पहन रखी है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इसको कहीं गिरा ना दूं। इसको ऐसे डुबो डुबो के खाते हैं। सो गाइस अभी फाइनली मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और क्योंकि मेरा 2 घंटे का सफर होने वाला है ना, तो मैंने वापस चीरअप ड्रामा लगा लिया और इसको आराम से देखूंगी और मैं आपको डायरेक्टली घर पर मिलती हूँ। गाइस गेस करिए अभी मैं कहाँ पर आई हूँ। अभी मैं आई हूँ जवानों के अड्डे में। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी भी शाम को जवानों का अड्डा कैसा दिखता है वो दिखाया होगा। तो ये देखिए काफी ब्राइट ब्राइट है। ओह माय गॉड यू आर सो टॉल, आई नीड टू, मुझे कैमरा पे ऐसे रखना पड़ता है। सो अभी यहाँ पर योसेफ लंगड़ा हो चुका है। हाउ इज योर फूड? सो अभी हम लिन का इंतजार कर रहे हैं एंड वी आर गोना डू सम फन एक्टिविटीज टू चीयर अप आवरसेल्फ। ये ये रही आज की पहली कपल। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं बोर्ड गेम खेलने के लिए। और गाइस अभी लीन भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी हम कुछ गेम चूज करने वाले हैं। लेट्स गो। ओके दिस वन, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर जयपुर। इट्स लाइक कार्ड गेम। दिस इज गेम नंबर 1। You want to try this one? Yes. Yeah. Are you sure? Ye wali hai lie detector machine. So cute. It's so cute. Ta-da. He's sculpted. He goes to the gym. Yeah. Wow. Dole shole. So humko is kutte se yahan se iski haddi uthani hai aur ye bahut gussa ho raha hai. Okay, 1 blue. To mujhe yahan se 1 blue uthani hai. I don't think it's that. Oh!
I lost already. Whoa. I have a very bad luck. Okay, one. Oh! That is the... Goodbye. Next game is the lie detector. I'm gonna find your deepest, darkest secrets. Is your name Kunal? Yes. Is your birthday in May? Yes. Uh-oh, liar. Are you a boy? Yeah. Did you use dark magic to get your YouTube subscribers? No, you did an evil dark ritual? No, I didn't. Did it vibrate? No. I'm so scared. Do you love me? Yes, of course. Oh! Do you think you're handsome? Me? Yes. Oh, no, not really. Not really? No. Do you really love all of your fans? All your fans? Yes. Yes, I do. Oh, she does. Guys, हमने और भी खाना ऑर्डर किया है. अनियन पॉपकॉर्न. जोसेफ को घर पर जाना है क्योंकि उसको सुबह जॉब करनी है. एंड मी एंड लीन आर गोना गो टू दिस क्ले मशीन. यहाँ पर कुछ गेम खेलेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे नोरेबांग. Just go with what you want. I'm just scared. How sweet. ये है नोरेबांग कैराओके, जहाँ पर आप एक सिक्का डाल के एक घंटे के लिए गाना गा सकते हो. नोरेबांग से हम BTS के कुछ गाने गाने वाले हैं. हमारे 21 पॉइंट मिले. Guys, I'm finally back home. मैंने मेरा मेकअप भी उतार लिया. ये रहे कुछ स्किन केयर के पैचेस. अभी यहाँ के रात के 12:30 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही. एक्चुअली मैं अभी वापस जो मेरा के ड्रामा बचा ना चीरफ का, ये वाला है सेकंड टू लास्ट एपिसोड, वो देख रही हूँ. तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट Amazon Mini TV. जो नेक्स्ट व्लॉग है ना उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए. सो बेसिकली मेरे अभी दो इंडिया के व्लॉग बाकी है जो कि मैंने एडिट नहीं करे. एक तो है मुंबई का व्लॉग और दूसरा वाला है स्पाइसी नूडल चैलेंज सौरभ के साथ. तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आप पहले कौन सा वाला देखना चाहते हो, तो उसके हिसाब से मैं वो वाला एडिट करूंगी. तो प्लीज कमेंट में बताना बम्बई व्लॉग या फिर स्पाइसी नूडल चैलेंज. और मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो. तो ध्यान रखना, खुश रहना. I love you. Bye. Did you have... Yes, I did. Okay. Yeah, it's true. Wow, it's very true. It's very true. Thank you for your honesty. 이거 영상에서 나왔는데. 아, 괜찮아. 도서관? 도서관? The library? 아. You can just go down that way. Okay, I'll try. Just go straight this way. Okay, thank you. No, I don't know your full name. You don't know my full name? Go down Naruka. Do you know my full name? Kim Si. Nope. Kim... Kim Si. Kim Si. See? Okay, you're a better friend than me. But my...